हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से उपजल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वो टेक पावर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ा धमाकेदार न्यूज निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो धमाकेदार न्यूज ये है कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और वो ऑर्डर ये है कि इस कंपनी के द्वारा नासिक से एक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑर्डर मिला है उसमें इस कंपनी जो ऑर्डर मिला है और ये कंपनी कहाँ ये ऑर्डर प्राप्त हुए देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इस कंपनी के संदर्भ में कुछ अपडेट भी और आते हुए दिखाई दिए हैं। और वो अपडेट ये है कि इसका अक्टूबर मंथ का जो टारगेट हो निकल के आता है वो दिखाई दे रहा है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि जो अक्टूबर मंथ का टारगेट निकल के सामने आया है उसमें इस कंपनी का क्या टारगेट दिया जा रहा है। और साथ ही साथ इस वीक का जो टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दिया है, तो उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कंपनी है उसे हिट करते हुए दिखाई देगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो कंपनी है 179 रुपये पर बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो अपर सर्किट लगा है उसके पीछे दो मुख्य कारण है। एक तो निफ्टी में जो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और लगभग 200 पॉइंट की तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। और दूसरा जो कारण वो निकल के आया उसे नासिक से जो प्रोजेक्ट मिला है उसके कारण ये कंपनी एक बार फिर रॉकेट बनते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें पानी के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 4.5% गिरावट दिखाई है। एक महीने की बात करेंगे तो 27 से 28% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 100% का रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आई है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो 130% का। जबकि बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में 151% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रुपए 52 पैसे के आसपास 2021 में देखने को मिली थी। और अब तक ये 7000% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और जिस तरीके से ये फ्यूचर बेस्ड प्रोडक्ट में काम करती है वो है ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना, उसमें ये कंपनी एक तरीके से अग्रणी होते हुए देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में ये जो 7000% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि ये 14000% का रिटर्न भी देखने को मिल जाए। और जैसे ही जैसे इस कंपनी को और ऑर्डर मिलते जाएंगे, ये कंपनी जैसे जैसे रॉकेट भी बनते दिखाई देगी और इसका जो फिट परसेंटेज है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें इसके संदर्भ में जो न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसमें ये बताया जा रहा है कि फिलहाल जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो नासिक नगर है उसके संदर्भ में जो पहले 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का जो ऑर्डर इसे मिला था उसको ये फिलहाल ये पूरा कर चुकी है। और उसके बाद फिर से इसे 9 स्टेशन बनाने का और ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके फलस्वरूप टोटल जो 29 ईवी चार्जिंग स्टेशन आपूर्ति करनी है। और साथ ही साथ इसका कमीशन भी करना है और इसका निर्माण भी ये कंपनी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ईवी क्षेत्र में ये जो नासिक में इसका अच्छा खासा प्रेजेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ईवी गाड़ियां बढ़ेंगी, सर्वोटेक जो पावर कंपनी है उसकी भी डिमांड अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। ये जो कंपनी के संदर्भ में जो इसे ऑर्डर मिला है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो पहल चल रहा है उसमें ईवी चार्जिंग की जो सुलभता है उसे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और ये सुविधाजनक जो ईवी चार्जिंग समाधान है उसे फिलहाल ये पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी उसके संदर्भ में ये जो कंपनी है और आगे बढ़ती जाएगी और मजबूत और सुलभ चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित करके उन लक्ष्य को भी ये प्राप्त करते हुए दिखाई देने वाली है। और जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसके जो उपयोगकर्ता है उसे अंतर शहर जाने में भी अच्छा खासा और अंतर्राज्यीय यात्रा भी अच्छा खासा अंतर्राज्य यात्रा करने में भी अच्छा खासा ये भागीदारी निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जो सर्वो चार्जिंग स्टेशन होना है उसके संदर्भ में स्थापना आपूर्ति के साथ साथ ये जो कंपनी है वो रख रखाव का प्रबंधन भी करेगी। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो भारत के ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन के भी आगे आते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ ये आगे भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी ने समझौता किया है वो फिलहाल जो ईवी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उसको बढ़ावा देते हुए ये जो राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है उसमें अच्छी खासी भागीदारी निभा सकती है। और जैसे जैसे ईवी बाजार का विस्तार होगा उस उच्च गति और विश्वसनीय जो चार्जिंग समाधान है उसमें सर्वोटेक एक भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक
वाहन चार्जिंग परिदृश्य में उभरता हुआ सितारा बन के निकलेगा। इसके अलावा अगर हम प्रदर्शन के इसके संदर्भ में कुछ बात करें तो ये जो कंपनी है ये करीब 170 रुपये 43 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दी थी, और ये जो कंपनी इसका जो पूंजीकरण है अर्थात मार्केट कैप है वो फिलहाल 3800 करोड़ का है, और पिछले एक सालों में इस कंपनी ने 120 से 130% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। यहीं पर हम थोड़ा सा बात कर लें कि इस कंपनी के संदर्भ में जो ये सर्वोटेक पावर लिमिटेड है वो फिलहाल 68 करोड़ रुपए की तुलना में 97 करोड़ का राजस्व ये प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था अपने क्यूटी के रिजल्ट में, और साथ ही साथ समान तिमाही में ये फिलहाल 6.72 करोड़ का की तुलना में 8.70% के मार्जिन के साथ 8.45 करोड़ का परिचालन लाभ भी प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था, और शुद्ध लाभ की अगर हम बात करें अर्थात नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ की तुलना में ये लगभग 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था। तो कुल मिलाकर ये जो कंपनी है बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि ये जो कंपनी है फिलहाल उसे ऑर्डर भी मिलता जा रहा है और निवेशकों का भरोसा भी इस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ही इसमें आंख मूंद के पैसा लगा दीजिएगा। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और इसके अलावा एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके अक्टूबर मंथ के टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कंपनी है इसका जो फर्स्ट ऑफ टारगेट अक्टूबर मंथ का वो फिलहाल 163 से 164 रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि वर्तमान में ये जो कंपनी फिलहाल 179 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ टारगेट है अक्टूबर मंथ का उसे ये कंपनी तोड़ते हुए देखने को मिल रही है, और जो सेकेंड ऑफ टारगेट है वो फिलहाल उसे भी ये कंपनी तोड़ते हुए दिखाई दे रही है और 179 रुपये के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। हालांकि मात्र कुछ पैसों के कारण इसका जो सेकेंड ऑफ टारगेट है टूटता हुआ देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब इसमें अच्छी खासी कल तेजी आएगी तो ये जो सेकंड ऑफ टारगेट है इसे भी ये कंपनी तोड़ते हुए दिखाई देगी, और जो थर्ड ऑफ टारगेट है 193 से 194 रुपये का उसके तरफ बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो फोर्थ ऑफ टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 218 रुपये 21 पैसे का दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अक्टूबर मंथ का जो टारगेट फिलहाल 164 रुपये से लेके और 218 रुपये के बीच में है, जिसमें से ये जो कंपनी 164 रुपये के अलावा जो सेकंड ऑफ टारगेट है 178 रुपये का उसे भी तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन किसी भी कारण से गिरावट आती है जिस तरीके से पिछले 7-8 दिनों में आई है उस तरीके से, तो ये सबसे पहले अगर डाउन टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगी तो 121 रुपये का, उसके बाद 106 रुपये का, और उसके बाद 190 रुपये का, उसके बाद 86 रुपये के आसपास का इस मंथ में ये डाउन टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगी, जो कि असंभव सा लगता है क्योंकि ये जो कंपनी है 180 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम बात कर लें इस वीक के टारगेट की, तो जो कंपनी है इसका जो फर्स्ट ऑफ टारगेट है वो 189 रुपये 44 पैसे का है, और ये वर्तमान में 179 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अगर कल इसमें तेजी आती है तो हो सकता है कि कल ये फर्स्ट ऑफ टारगेट भी तोड़ते हुए दिखाई दे जाए। जबकि बात करें हम सेकंड ऑफ टारगेट की, तो 196 रुपये के आसपास का है, थर्ड ऑफ जो टारगेट है 203 रुपये का है, जो फोर्थ ऑफ टारगेट 214 से 15 रुपये के आसपास का होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करें अगर हम डाउन टारगेट की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल 169 रुपये के आसपास का डाउन टारगेट दिखाते हुए नजर आ रही है। फर्स्ट सेकंड डाउन टारगेट 162 रुपये का है, थर्ड डाउन टारगेट 155 रुपये का है, और जो फोर्थ डाउन टारगेट है 144 रुपये के आसपास का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस कंपनी के संदर्भ में ये जो अपसाइड का टारगेट है वो बहुत ही नजदीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो डाउन टारगेट का जो डाउन टारगेट साइड है वो भी अच्छा खासा नजदीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा होता हुआ दिखाई देता है, और साथ ही साथ ये जो कंपनी है इसे कितना ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिलता है। जैसे जैसे ये अगर कंपनी आगे बढ़ती जाती है और मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है और इसे ऑर्डर मिलता जाता है, तो ये जो सभी के सभी जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अक्टूबर मंथ का टारगेट हो या फिर इस वीक का टारगेट हो, इसके तरफ ये कंपनी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा इसमें ध्यान से आगे बढ़िए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।